धन्यवाद। आते हैं मूल विषय की ओर, क्योंकि विषय जानना बड़ा जरूरी है और हमारा विषय भी चल रहा है पिछले दिनों से, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, और कई बातें हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण विषय है हमारा ये पाचन तंत्र, और इसके बारे में आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को जानना बड़ा आवश्यक है, ताकि आप अपने जीवन व्यवस्था में इसे जोड़ सकें और आप अपने स्वस्थता को प्राप्त कर सकें। अभी पाचन तंत्र में हमने बस इतनी ही चर्चा की है कि मुंह में हम भोजन लेते हैं, चबाते हैं, निगलते हैं, फूड पाइप के माध्यम से भोजन हमारे स्टमक में आता है, और स्टमक में आने के बाद भोजन उसको पचाने के लिए स्टमक जूसे जाते हैं, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेनिन और पेप्सिन नाम के एंजाइम्स होते हैं। स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की एक्टिविटी होती है, जिसके माध्यम से पूरा भोजन को लगभग 40 मिनट में पेस्ट तैयार कर दिया जाता है। ये चर्चाएं हम पिछले भाग 1 और भाग 2 में हम कर चुके हैं। आज भाग इसका पार्ट 3 है, और पार्ट 3 में हम इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो आपको स्टमक, आपको ध्यान में होगा, वो थैलानुमा है, भोजन उसमें आ चुका है। अब हमने उस समय बताया था कि पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डाइल्यूट हो जाएगी। एक दो बातें जो हमें यहाँ बड़ी समझने की जरूरत है, और हम अपने जीवन में उन चीजों को जोड़ देते हैं जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है। एक तो एक बात है, गैस की प्रॉब्लम आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है। गैस के पीछे 2-3 बड़े महत्वपूर्ण कारण है, उन कारणों में एक कारण हमारा भोजन भी है। पहला कारण क्या है कि हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जिसके कारण हमारी अव्यवस्था जीवनचर्या में है, उसके कारण हमारा गैस की प्रॉब्लम बनती है। खाने का कोई रूटीन नहीं होता, जब लंबे समय तक हमारा पेट खाली होता है तो गैस की फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन जो दैनिक जीवन की व्यवस्थाओं में खास तौर पर हम देखते हैं कि हम खाना खाते हैं, भोजन का एक निश्चित समय किया जाता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के लिए जो प्रोसेसिंग होती है, जिसकी चर्चा हम पिछले क्रम में कर चुके हैं, कि मुंह के अंदर हम निवाला लेते हैं, उसको चबाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा निकलता है जो उस भोजन के अंदर स्टार्च को तोड़ता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में बॉडी अब्सॉर्ब करेगा, निगलते हैं, पेट के अंदर जाता है, स्टमक के अंदर आता है। स्टमक की बात हमने आपसे करी थी कि स्टमक में कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेनिन, पेप्सिन एंजाइम्स आते हैं, जो उस भाग को, जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उसको आगे पेस्टिंग तैयार करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। उसके आगे अगर भोजन जाती है, जो अभी चर्चा नहीं की है, जो हम आगे करेंगे, वो आगे जाती है तो डियोडनम में जाती है, और डियोडनम में भी उसके तरफ से 2 तरह के मुख्य रूप से जूसे जाती हैं, पैनक्रियाज से पैनक्रेटिक जूस और लीवर से यानी गॉल ब्लैडर से बाइल्स, ये दोनों जूसे जाते हैं, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है, और इसके आधार पर भोजन को उस फॉर्म में तोड़ दिया जाता है जिस फॉर्म में बॉडी उसे अब्सॉर्ब करे। हम क्या करते हैं, ये एक प्रोसेसिंग है, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलेगा, अपने सिस्टम में चलता रहेगा, अगर हमने बीच में कोई अवरोध पैदा नहीं की, कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं की, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होगी और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह लाभ मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम बीच में व्यवधान पैदा कर देते हैं, रुकावटें पैदा कर देते हैं, जिससे यह प्रोसेस प्रॉपर काम नहीं करती और प्रोसेस बीच में ही रुक जाती है। करते क्या है, भोजन हम करते हैं, अभी हमने भोजन किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टमक के अंदर 40 मिनट का वक्त लगता है प्रोसेस को कंप्लीट करने में। लेकिन इसी बीच में हम 15-20 मिनट गुजरा नहीं कि सामने मूंगफली के दाने दिख गए, मन ने कहा कि अरे मूंगफली है, अच्छा कोई बात नहीं, चल 4 दाने खा ही लेते, क्या अंतर पड़ना, तो 4 दाने मूंगफली के खा लेते। और उसके 15-20 मिनट के बाद जब आपकी नजर इधर उधर जाती, काजू का बड़ा भुना हुआ सा काजू, बड़ा सुंदर सा रखा हुआ था, लगा कि अरे यार डॉक्टर्स भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं, नट्स खाने चाहिए, बादाम खाने चाहिए, काजू खाने चाहिए, चलो 4 दाने काजू ही खा लेते, क्या करना, नमकीन तो है, बड़ा टेस्टी भी लगता है। यानी एक खाने से दूसरे खाने के बीच हम एक निश्चित गैप नहीं देते, ये गैप कम से कम 40 मिनट का तो निश्चित होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टमक के अंदर प्रोसेसिंग चल रही है। और 40 ही मिनट नहीं, मैं तो कहता हूं कि जो योग कहता है एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच की गैप जो होनी चाहिए वो 3 से 3.5 घंटे की होनी चाहिए, तभी वो प्रोसेस कंप्लीट हो सकेगा। हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, अभी लिया उसके 10-15 मिनट के बाद फिर कुछ ले लेते हैं, 1/2 घंटे के बाद फिर कुछ ले लेते हैं, उसके 15 मिनट के बाद कुछ, बहुत ज्यादा नहीं लेते, आप अनजाने में 2-4 ही दाने लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन अगर आपने भोजन लिया
कुछ भी चीजें ली, इसका मतलब अब क्या होगा? मुंह में जैसे ही हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड को सलाइवा छोड़ना ही पड़ेगा, और वो छोड़ेगा, और जब वो स्टमक में जाएगा तो स्टमक में फिर उसको पचाने के लिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपने लिया है उसको पचाने के लिए स्टमक को, स्टमक जिसे छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तो समस्याएं, और अगर छोड़ा तो समस्याएं। समस्याएं क्या? क्योंकि जो प्रोसेस पहले भोजन आपने किया था एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रही थी, मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आया था, स्टमक में स्टमक जूसे जाए थे, वो आगे पेन नीचे चला गया था डियोडिनम में, तो हम पेनक्रेटिक जूस और बाइल्स आ रहा था, लेकिन अचानक से ही भोजन आपने कर लिया तो जो सारी प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में थी वो अचानक से ब्रेक डाउन हो गई, एक रुकावट पैदा कर दी, एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दिया। अब फिर से सिस्टम को शुरू से करना पड़ेगा, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा, स्टमक में स्टमक जूसेज, और फिर वो जितना वक्त स्टमक में लेना है लेगा, उसके आगे जाएगा। इससे होगा क्या अगर ये फिर से इसके 15 मिनट के बाद फिर से हमने लिया तो फिर से प्रोसेस वही रुक जाएगी। इससे बस होता यह है कि जिस भोजन को हमने पहले लिया है, मुंह के अंदर हमने थोड़ा चबाया है, पेट के अंदर थोड़ा ज्यादा पेस्ट तैयार हो गया है, डियोडनम में गया है तो और ज्यादा उस फॉर्म में टूट रहा है जिस फॉर्म में बॉडी अब्सॉर्ब करेगा, लेकिन जैसे ही प्रोसेस रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, जो जहां था जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में रुक जाएगा। कोई पूरा पिसा हुआ है, कोई आधा पिसा हुआ हो, कोई बिल्कुल थोड़ा ही पिसा हुआ है, इस फॉर्म में अगर बॉडी के अंदर रुक जाएगा तो अब क्या होगा कि जैसे ही पिसी हुई चीजें, आधी पिसी हुई चीजें ज्यादा वक्त तक रुके तो उसके अंदर फर्मेंटेशन पैदा होता है। आप जैसे घर में बनाते हैं इडली बनाते हैं, खासतौर पर आपने देखा होगा इडली बनाते हैं, तो इडली बनाते हैं तो क्या करते हैं, दालों को पीस देते हैं, चावल को उसके साथ पीस देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, या कहते हैं खमीर हम डाल देते हैं, या नहीं खमीर डालेंगे तो रात में बना करके छोड़ दीजिए, सुबह उसका बनाइए, तो फिर इडली कहते हैं बड़ा लाजवाब है, या डोसा कहते हैं बड़ा लाजवाब है। इसका मतलब ये जो छोड़ दिया रात में 8 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे के लिए, उसमें हुआ क्या? खमीर कहते हैं, आप बड़े स्टैंडर्ड भाषा में खमीर कहते हैं, या इसको हम इंग्लिश के वर्ड में बड़ा सुंदर वर्ड देते हैं फर्मेंटेशन, लेकिन हम लोग गांव से रहने वाले देहाती लोग हैं, हम लोग तो इसे कहते हैं सड़ाना, क्योंकि दाल को अगर हम रात में छोड़ दें ना तो सुबह खट्टी दाल होगी और वो सड़ जाता है, उसको सड़ना कहते हैं, और उस दाल को आप दोबारा नहीं खाते, आप गौर कीजिए, आप नहीं खाते, आप फेंक देते हो, लेकिन आप क्या करते हो, इन चीजों को सड़ाकर खाते हो। चलो ठीक है, बाहर में हमने सड़ा दिया तो जो गैसेस एक्सचेंज थी वो हो गई, लेकिन अगर स्टमक के अंदर वही चीजें ज्यादा वक्त तक रुकने लग जाए तो ज्यादा रुकेगा, आधा पिसा हुआ, आधा टूटा हुआ, पूरा टूटा हुआ, हर किस्म के, हर तरह से, हर जगह, हर स्थिति में है तो ज्यादा वक्त तक रुकेगा तो उसके अंदर भी तो फर्मेंटेशन पैदा होगा, खमीर पैदा होगा, और जब खमीर पैदा होगा यानी सड़ान पैदा होगी तो गैस तो बनेगा ही। तो गैस का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जिसको स्पष्ट रूप से आप समझेंगे कि हम बार बार भोजन कर रहे हैं, यानी गैप हम नहीं दे रहे, इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच की गैप को निश्चित बनाइए। लेकिन तीन लोगों को छोड़कर, वो तीन लोग कौन से होंगे उसको समझना जरूरी है, क्योंकि मेरी बात सुनकर अगर सब लोग यही कंडीशन में आ जाएंगे तो कई को प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। वो तीन लोगों को समझना है, पहला वह लोग जो डायबिटीज से ग्रसित हैं, जो ऑलरेडी डायबिटीज जिनको हो चुकी है, डिटेक्ट हो चुकी है, उनके लिए 3 घंटे का गैप उनको नुकसान करेगा। दूसरा वह व्यक्ति जिनको गैस की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, उनको भी अगर 3 घंटे का अब गैप देंगे 3.5 घंटे का तो उनको गैस फिर से फॉर्मेट हो जाएगा। और तीसरे वो होंगे जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, गैस से आगे एक कदम और आगे बढ़कर एसिडिटी बन गई है, बॉडी के अंदर एसिड की फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, तो उन तीन तरह के लोगों को जिनको गैस की, एसिडिटी की और डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उन लोगों को गैप ज्यादा नहीं बल्कि उनके बीच भोजन के बीच की गैप लगभग 2 घंटे का दें। हर 2 घंटे पर ये 3 किस्म के लोग भोजन करें, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो सामान्य हैं, स्वस्थ हैं, वो एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच एक निश्चित गैप निर्धारित करें, जिसमें योग कहता है कि अगर सात्विक आहार आप लेते हो तो उसका 3 से 3.5 घंटे का गैप होना चाहिए, अन्न का प्रयोग करते हैं तो।
उसी तरह हम आगे चर्चा करेंगे फलों के प्रयोग से क्या होता है। लेकिन अभी समझना यह है, यानी गैस बनाने के पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है आपका बीच बीच में ले लेना। इसलिए बीच बीच में न ले, जिसको हम कहते हैं ना चिटपुटा, वो चिटपुटा ना करें, बीच बीच में न ले। एक बार ब्रेक दीजिए, जब लेना होगा तो आराम से लीजिए, वक्त देकर लीजिए, तो उससे आपको लाभ मिलेगा, गैस में भी फायदा हो। लेकिन जिन लोगों को गैस और एसिडिटी हो चुकी है, उन लोगों के लिए मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि वो 2 घंटे से ज्यादा का गैप ना दे। चाहे 2 बिस्किट ही क्यों ना ले, बट हर 2 घंटे पर आप लीजिए, मैं गारंटी देता हूं 15 दिन के अंदर गैस आपकी कम हो जाएगी। 2 काम करने हैं, एक तो खाने में 2 घंटे का गैप, स्प्राउट लीजिए वो भी ठीक है, और गैस बनाने वाली चीजों का प्रयोग ना करें। खाने में गैस बनाने वाली जो चीजें हैं उसका प्रयोग ना हो। जैसे मान लीजिए, वैसे तो कहते हैं जितनी प्रकृति का एक नियम है, नियम क्या है कि जिन चीजों के 2 बराबर टुकड़े हो जाएं, 2 भागों में बराबर में विभक्त हो जाए, वो सारी चीजें गैस बनाती। इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी भी प्रकार की दालें हैं, हर दाल के 2 बराबर टुकड़े होते हैं पल्सेस, उन सब गैस बनाने वाली है। हाँ, कोई ज्यादा बनाता है, कोई थोड़ा कम बनाता है। ज्यादा गैस बनाने वाले में 3 दालें बड़ी महत्वपूर्ण है, जो खास ध्यान देना है और जो हैबिट में भी होती है। एक दाल उड़द की दाल, सबसे ज्यादा गैस बनाने वाली होती है उड़द की दाल, और जिसका इडली और डोसा बनता है, पहली। दूसरी दालें जो होती हैं अरहर की दाल, और तीसरी होती है चने की दाल। ये 3 दालें बहुत ज्यादा गैस बनाती हैं। तो जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो, ये 3 दाल को तो बंद ही कर दीजिए। सबसे कम गैस बनाने वाली दालें होती हैं मूंग की और मसूर की, ये कम गैस बनाती हैं। तो मूंग की दाल ले सकते हैं, छिलके वाली लीजिए, फाइबर आपके पास आएगा तो आपको फायदा होगा। तो ये मूंग की दाल और इसकी दाल आप लिया जा सकता है, मात्रा थोड़ी कम रखें। तो गैस जिनको बनती है, यानी प्रकृति का नियम मैंने सीधा सीधा बता दिया, जिसके 2 बराबर टुकड़े होंगे वो सारी चीजें गैस बनाती है, नेचुरल रूल है। अब अगर हमें चने की दाल खाने की इच्छा है, तो क्या मैं अपने जीवन को इस नरक पूर्ण जीवन बना लूं क्या? खाइए चने की दाल, मैं मना नहीं करता, लेकिन फिर उसके लिए उसकी तैयारी कर लीजिए कि दाल को हम खाएं कैसे। तैयारी कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है। दाल को रात में पानी में भिगो दीजिए, सुबह पानी को निकाल कर फेंक दीजिए, दाल को बना लीजिए, हींग से या अदरक से दाल को छेक लगा दीजिए। हींग और अदरक गैस को कम करता है। जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम है, वो हींग और अदरक का प्रयोग कर सकते हैं अपने खाने की व्यवस्था। सलाद के साथ ले सकते हैं, दालों को छेक कर ले सकते हैं, जहां भी है सब्जियों में ले सकते हैं। तो हींग और अदरक, ये 2 चीजें मैं कह रहा हूं, क्योंकि थोड़ी सी कई बार होता है, लहसुन भी गैस कम करता है, लेकिन लहसुन कई लोग नहीं लेते, तो कोई बात नहीं, हींग और अदरक का प्रयोग करें, यह कॉमन सामान्य है, हर लोग कर सकते हैं, तो ये आपको गैस को कम करेगा। तो जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम है, वो खाने के रूटीन में इस तरह की, फूल गोभी बहुत ज्यादा गैस बनाता है, मटर, हरा मटर जो खाते हैं गैस बनाता है, क्योंकि 2 बराबर टुकड़े हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं। इसका मतलब प्रकृति के नियमों को थोड़ा सा समझिए, जिन चीजों से गैस बनती है उनको खाना बंद करिए, और खाने में अल्कलाइन चीजों का प्रयोग बढ़ा दें। एक बड़ा महत्वपूर्ण मैंने देखा है बहुत सारे लोगों पर कि अल्कलाइन चीजों का प्रयोग हमारे जीवन में सबसे कम है, और एसिडिक चीजों का प्रयोग हमारे जीवन में सबसे ज्यादा है। जितने भी प्रकार के अन्न हैं, सारे अन्न एसिडिक प्रकृति के हैं, गैस एसिड बनाता है, यानी अम्लीय गुणधर्म को रखते हैं। जबकि शरीर का जो ब्लड का की व्यवस्था है, उसका पीएच वैल्यू की बात की जाती है, 7 पीएच वैल्यू हमारी नॉर्मल होती है, 7 से अगर ऊपर हो जाए 8, 9, 10, 11, 12 तो वो अल्कलाइन कहा जाएगा, और 7 से घटकर नीचे आ जाए 6, 5, 4 तो वो एसिडिक हो जाएगा। और आप अपना पीएच वैल्यू ब्लड का टेस्ट करवा लीजिए, जिन लोगों को गैस है, एसिडिटी है, उनका पीएच वैल्यू गारंटी से मैं, यानी 7 के नीचे आएगा, 1 से 7 के बीच में आएगा। जो जितना एसिडिक रहेगा उसको ये प्रॉब्लम उतनी ज्यादा रहेगी। तो थोड़ा सा केयर करना, इसका मतलब है कि भोजन के अंतर्गत हम अल्कलाइन चीजों का प्रयोग करें, और जितने भी प्रकृति के द्वारा दी गई वेजिटेबल्स हैं,
वो अल्कलाइन प्रकृति के होते हैं खास तौर पे। ये अल्कलाइन बहुत, इसका मतलब मेरा कहने का आशय आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि खाने में अल्कलाइन चीजों का उपयोग ज्यादा, इसका मतलब वेजिटेबल्स का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और खास मैं बताना चाहता हूं अल्कलाइन के लिए, लोग नारियल पानी को बताते हैं कि नारियल पानी बहुत अच्छा होता है, अल्कलाइन भी होता है, बहुत अच्छा होता है, मैं भी कहता हूं अच्छा होता है, लेकिन नारियल पानी में ₹50 एक नारियल पानी में लगेगा। अब एक साधारण लोग, हमारे जैसे लोग तो ₹50 नहीं दे सकते, तो हम तो वो बात करेंगे जिसमें ₹50 में कई दिन सप्ताह चल जाए अपना। तो एक आता है, आपने देखा होगा पेठा, सफेद वाला पेठा, जिसकी पेठे की मिठाई बनती है। हमारे हिसाब से उससे बेहतर अल्कलाइन कोई सब्जियों में नहीं, सबसे ज्यादा अल्कलाइन होता है पेठा। आपको कुछ नहीं करना, एक पेठा ले आइए, मुश्किल से 15-20 रुपये में दे देगा एक पेठा, कई दिन चलेगा। उसके पीसेज बनाइए, उसके पीसेज में बीज को हटा दीजिए, छिलके को हटा दीजिए और मिक्सी में डाल दीजिए, थोड़ी सी पानी डाल दीजिए और मिक्सी को चला दीजिए और कपड़े से निचोड़ दीजिए। उस रस को सुबह सुबह खाली पेट पिए, मैं खास तौर पे गैस और एसिडिटी के लिए बोल रहा हूँ, जिनको गैस एसिडिटी है, आप 15 दिन लगातार पीजिए सुबह सुबह खाली पेट, कम से कम 250 ml होना ही चाहिए, उससे कम नहीं। तो 250 ml आपको पीना है सुबह सुबह खाली पेट, और इसके पीने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच तक कुछ नहीं लेना, यानी उठकर इसको पीजिए। 15 दिन के बाद मुझे बता दीजिए कि आपको गैस है। मैंने ये अनुभव किया है, मैंने लगभग अगर सैकड़ों लोगों को बताया, सैकड़ों में सैकड़ों से रिजल्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये गैस और एसिडिटी के लिए रामबाण औषधि है पीठा। नारियल पानी भी अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, अगर आपके पास पैसे हैं तो खर्च कहाँ करेंगे, करना तो पड़ेगा, तो खर्च करिए, दीजिए पैसे, उसका भी दुकानदारी तो चलना चाहिए। और मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा, किसी की दुकानदारी पर मेरा कोई उंगली नहीं उठाना है, आप जरूर करें, नारियल पानी भी पिए। लेकिन एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं इसके साथ साथ, कि जो प्रकृति का एक नियम है, उन नियमों को अगर आप समझ जाएंगे ना, और समझना कुछ कठिन नहीं है, हम बस उस प्रकृति के को देखें जाने तो समझ में आ जाएगा। प्रकृति हर वह व्यवस्था देता है जो उसके लिए, उस क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए आवश्यक है। वो उसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न करेगा जिस क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए नारियल चाहिए। नारियल दिल्ली में नहीं होता, दिल्ली वासियों वासियों के लिए नारियल नहीं है। हम पी रहे हैं शौक से, पैसे हैं, बीमार पड़े हैं, बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर का बिजनेस चलेगा, हॉस्पिटल का बिजनेस चलेगा, तो हम लोग दयावान तो हैं ही, बिजनेस तो करना ही है, बिजनेस छोड़ना नहीं है। मैं भी नहीं कहता मत छोड़िए, पीते रहिए नारियल पानी, रोग लाते रहिए, मना नहीं है। लेकिन नारियल पानी बना है केरला वालों के लिए, समंदर के किनारे वालों के लिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी की जबरदस्त दवा है नारियल पानी। उधर के लोग खट्टी खाते हैं, खटाई खाते हैं, चटनी खाते हैं खट्टे खट्टे, क्योंकि खटाई जो है उनका जो चटनी बनता है, सांवर जो बनता है, इडली जो बनाते हैं सांवर वगैरह, उसके अंदर खटाई डाला जाता है, क्योंकि वो एसिड, वो जो ह्यूमिडिटी होती है उसको खत्म करता है। हम शौक से पी लेते हैं, कभी पी ले तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रकृति ने आपके लिए नहीं, अगर आपको देता तो दिल्ली में नारियल पैदा होता, लेकिन ये केरला में पैदा हो रहा है। इसका मतलब वो दवा उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है तुलनात्मक हमारे लिए। हमने तो प्रकृति के सारे नियमों को तोड़ने की कसम खा ली है, हमने सोच लिया है कि चाहे प्रकृति कितना भी कुछ कर ले, मैं तो तोड़ के ही रहूंगा, देखो मैं तोड़ता हूं या नहीं, और अगर तोड़ेंगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। इसलिए प्रकृति के नियम है कि जो समय, देखिए खास तौर पे फलों की बात जहां की जाए, तो हम जरूर फल खाएं, और फल खाना बहुत महत्वपूर्ण बता गया है हमारी डॉक्टर सुनीता मैडम, बार बार आपको बताती रहते हैं कि फल खाइए, सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, फल खाना जरूरी है। लेकिन अगर सर्दी के दिनों में आम खाएंगे, हैं, तरबूज खाएंगे, तो सर्दी में तरबूज नहीं होता, सर्दी में आम का सीजन नहीं है। जो प्रकृति ने सीजन बनाया था उसकी दवा थी, गर्मी की दवा थी आम, तरबूज गर्मी की दवा है, लेकिन हम तरबूज सर्दी में खा रहे हैं और आम सर्दी में खा रहे हैं, और मिलता कैसे किलो है, ₹400 ₹500 किलो, तो आपको लगता है कि स्टेटस हमारी बन रही है, स्टेटस जरूर बन रही है, लेकिन शरीर की स्टेटस जो है ना वो खराब हो रही है। तो प्रकृति के नियमों को समझिए, जिस समय के लिए जिन चीजों को बनाया है प्रकृति ने, उसी समय उन चीजों का अगर उपयोग हम करें तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। मैं कुछ नई बात नहीं कर रहा, सारी बातें आपको पता है, बस जीवन में जोड़ने की जरूरत है। तो इसलिए आम के समय में जरूर आम खाएं। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि ये प्रकृति का ये है या नहीं,
उसके कॉस्ट से पता चलेगा, जो नेचुरल होगी ना उस कॉस्ट में पता चल जाएगा। जिसका कॉस्ट मार्केट में सस्ता रहेगा वो उसी समय की उसी सीजन की चीज है, और अगर कॉस्ट महंगा है, अगर आम 30 रुपए किलो मिल रहा हो 25 रुपए किलो मिल रहा हो तो समझिए ये मौसम की है। लेकिन अगर वही आम 300 रुपए किलो मिल रही हो 500 रुपए किलो मिल रही, तो आपको स्पष्ट समझना जाना है कि ये इस मौसम का नहीं है, क्योंकि अगर मौसम का होता तो उसकी उपलब्धता मैक्सिमम होती, और मैक्सिमम होती तो चीजें सस्ती होंगी। मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी भी हम खरीदते हैं, थोड़ा मैं इसलिए कह दे रहा हूँ क्योंकि करते तो आप रोज हैं ये, तो सब्जी भी खरीदते हैं, तो सब्जी खरीदते हैं लेकिन सब्जियों में हम वो वाली सब्जी खरीदते हैं जो सबसे सुंदर टिकाऊ देखने में खूबसूरत होती है। जब फलों की दुकान पर जाते हैं तो वो फल खरीदते हैं जो फल सबसे ऊपर में लगा रख रहा है और उस पर एकदम चमक चमक लगता है और उस पर लिखा रहता है कि स्टिकर चिपका होता है, ओके एंड टेस्टेड, ऐसा लिखा हुआ स्टिकर होता नहीं, और आप उसका कीमत पूछिए तो उसकी कीमत कैसे मिलेगी, उसकी कीमत मिलेगी सबसे महंगी, और वही नीचे टोकरी में पड़ा होगा बेचारा मड़ा तुला सा नीचे टोकरी में, वही चीज का उसी का भाई पड़ा होगा, भाई बंधु नीचे, सेब ऊपर पड़ा हुआ है बढ़िया वाला सुंदर वाला खूबसूरत वाला, और नीचे मुड़ा तुड़ा वाला एक टोकरी में पड़ा होगा, उसको पूछिए कैसे किलो, तो कहेगा 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो, वो मुड़ा तुड़ा सा है, लेकिन वो वाला जो है ऊपर जो है वो क्या है, वो स्मार्ट है, सुंदर है, खूबसूरत है, इसलिए कैसे मिलेगा, तो 150 रुपए किलो। हम खरीदते कौन से वाले, 150 वाले किलो, क्या 150 वाला ज्यादा अच्छा है, ये 50 रुपए किलो या 30 रुपए किलो 40 रुपए किलो दे रहा है अच्छा नहीं है, ये ज्यादा अच्छा है, आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये ज्यादा अच्छा है उस 150 से, क्योंकि 150 वालों के लिए उसने वैक्सीनेशन का प्रयोग किया तभी वो खूबसूरत हुआ है, उसमें वैक्सीन का प्रयोग करके उसको चमक लाया गया, उसको खूबसूरत बनाया गया है, उसमें दवाइयों का प्रयोग ज्यादा है, इसमें दवाइयों का प्रयोग नहीं हो पाया इसलिए बेचारा ऐसे ही रह गया मरा थोड़ा सा। तो ध्यान ये रखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सड़ा गला ले आइए, चीजें हैं वो भी हैं, वो भी हैं, लेकिन आप उसको गौर, वो मीठा लगेगा खूब जो ऊपर रखा है ना, बहुत मीठा लगेगा, लेकिन सेब उतना मीठा नहीं होता जितना मीठा वो लगता है, क्योंकि उसके अंदर इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है उसके मीठेपन को लाने के लिए, तो वो आपको नुकसान देगा, फायदा नहीं देगा। खरीद तो पैसे आप ज्यादा लगा रहे हो, और ज्यादा पैसे लगाकर ही समस्याओं को आप खरीद रहे हो। तो मेरा कहने का आशय यही है कि मार्केट में सब्जी लेने जाए तो सब्जी भी देखिए, सब्जी भी वैसे ही मिलेगा आपको, जो खूबसूरत होगा उसकी कीमत ज्यादा होगा, जो बेचारा मुरा थोड़ा सा पड़ा होगा टोकरी में वो उसको कोई लेने वाला नहीं, हमारे जैसे लोग ले लेते हैं, और इसीलिए हमारे जैसे लोग ज्यादा स्वस्थ होते हैं और आप लोग बीमार पड़ते हैं, है ना, इसलिए आप हम लोगों से सबक लीजिए। मैं ये नहीं कहता, जैसे दूध हर लोग खाते हैं मना करते हैं, हम लोग कहते हैं मना करते हैं क्योंकि दूध अब दूध रहा नहीं, इसलिए कई बातें हैं सिंथेटिक आ गया, बट अगर दूध लेते ही हैं तो मैं तो कहता हूँ मलाई वाला दूध लिया करिए, जिसमें मलाई वाला दूध होता है फुल क्रीम, और उसकी खूब मलाई जमाइए, मलाई अपने नौकरों को खिला दीजिए और दूध पानी आप पी जाइए, तो नुकसान आपको भी नहीं होगा, नौकर को भी नहीं होगा, क्योंकि नौकर काम करेगा वो मलाई पचा जाएगा, और आप काम नहीं करोगे अगर मलाई खाए तो फिर गए, फिर तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो मेरा कहने का आशय यही है कि प्रकृति के नियमों को समझें, अपनी शारीरिक स्थिति को समझें, उसके आधार पर अगर हम निर्णय लें तो फिर आपका जीवन सुगमता में, और पाचन तंत्र आपको पूरा सहयोग करेगा, पूरे मनोयोग से सहयोग करेगा। हमने इसको इतना विवश कर दिया है, खान पान की व्यवस्था इतनी अव्यवस्थित कर दी है, और ये खाने खाने को तो इसको तो मैंने डस्टबिन ही समझा है कि जो मर्जी डाल जाओ, क्या करना, पचाने का काम ये जाने, और गड़बड़ अगर कुछ हो जाए तो ऊपर से 2 गोली भी और खा लो, तो मतलब खाली समस्याएं ही पैदा करना अपना काम लिया है। तो मेरा कहने का आशय, आज समय तो हो गया है क्योंकि हम तो जब बात करते हैं थोड़ी बात हमारी लंबी ही होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि बात को पूरी स्पष्टता में आप समझें। तो मेरा कहने का आशय आज यही था कि एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच की गैप निश्चित करें, अगर गैस एसिडिटी और डायबिटीज है तो 2 घंटे पर करें, भले 2 ही बिस्कुट खाएं मुझे मना नहीं है, 4 दाने ही किसी चीज के खाएं वो 4 दाने ही खाएं, लेकिन खाएं 2 घंटे के बाद जरूर, क्योंकि गैस और एसिडिटी के लिए पेट खाली होना गैस और एसिडिटी को बढ़ावा देगा, डायबिटीज को नुकसान करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा होगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो खाने के रूटीन पर ध्यान दीजिए, बात इतनी ही करके क्योंकि समय 5 मिनट तो वैसे ही डिले हो गए हम, जी जस्ट 1 मिनट सर, बिल्कुल, तो ये हमारी बात यही विराम करते हैं। अब आपके प्रश्न है नौलखा जी, प्लीज। सर
सर मेरा एक सवाल है कि आपने अभी कहा कि खाने के बाद में दो खाने के बीच में गैप हो, एक खाना कंप्लीट हो जाए फिर कुछ ना खाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मेरा एक क्लैरिफिकेशन ये है कि जैसे सौंफ आदि खा लेते हैं, बाद में आइसक्रीम खा लेते हैं, तो उससे कुछ ज्यादा विघटन होता है या वो एक्सेप्टेबल है? और दूसरा एक सवाल है, नारियल पानी की आपने बात कही सर, नारियल पानी की वो तो ये बात समझ में आ गई, लेकिन अगर नारियल इटसेल्फ जो पानी निकाल के नारियल हो जाता अंदर गिरी जो कहते हैं सफेद, वो खाने से भी कोई फर्क पड़ता है क्या? थैंक यू। थैंक यू नवलखा जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है और लोगों को मैंने हमेशा कहा है कि प्रश्न जरूर पूछा करिए, क्योंकि एक के पूछने से वेरी गुड क्वेश्चन, मेरा भी यही है, लोगों को लाभ मिलेगा। एक मेरा भी यही क्वेश्चन है सर, लोगों के मन में द्वंद उठता है और पूछ नहीं पाते। तो कल हमारी नवलखा जी से बात ही हुई थी, मैं कहा था जरूर पूछा करिए, आप पूछेंगे तो 10 लोगों को लाभ मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज है, प्रश्न दो है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि हमने कहा आपको कि खाने के लिए आपको एक गैप होना चाहिए, सोप आप खाते हो तो खाना खाने के साथ साथ ही खा लेते हो, उसको आधे घंटे के बाद नहीं खाते। जनरली मैंने देखा है खाना खत्म किया खा लिए, इसका मतलब जस्ट प्रोसेस इज स्टार्ट, तब तक तो सब चलेगा। लेकिन साथ में आपने आइसक्रीम बोला है, अब आइसक्रीम पर मुझे जरूर बोलना पड़ेगा, क्योंकि आइसक्रीम मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि जैसे आप देखिए क्या है, पेट में हम जब भोजन करते हैं तो उसको पचाने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया है, जिसको योग की भाषा में हम कहते हैं अग्नि पैदा हुआ है। योग की भाषा में हम अग्नि शब्द से प्रयोजन लेते हैं कि पेट के अंदर अग्नि पैदा हो गया है। एक उदाहरण से मैं आपको देना चाहता हूँ, उदाहरण ये है कि अगर एक हवन हम कर रहे हैं, जब हम लोग हवन करते हैं तो हवन कुंड हमारे सामने होता है और हवन कुंड में हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और उसमें आहुतियां देते हैं, यही करते हैं। आहुतियां जब तक अग्नि प्रज्वलित है, जल रहा हो, तो उसमें आहुतियां देंगे तो बड़े आसानी से, बड़े इजिली वो जल जाएगा। लेकिन अगर उसी अग्नि कुंड में हवन चल रहा हो और उसके बीच में एक लोटा पानी डाल दें और फिर आहुतियां दें तो क्या होगा? ये जो आइसक्रीम है, जो कोको कोला है, जो ठंडी चीजें हैं, अग्नि प्रज्वलित है, शरीर का एक टेम्परेचर है, बॉडी स्टमक अपनी टेम्परेचर में अपने कार्य को कर रहा है, अचानक से उसमें आपने उन तरह की चीजों को डाल दिया तो वो उन चीजों में निश्चित रूप से प्रभाव करेगा और नुकसान देगा, निश्चित रूप से। इसमें मैं तो संदेह तो हमें है ही नहीं, बस ये ध्यान देना है कि किसका शरीर कितना टॉलरेबल है, जिसकी इम्यून सिस्टम थोड़ी डेवलप है वो टॉलरेट कर जाएगा, जिसकी डेवलप नहीं रहे तो ध्यान। इसीलिए अभी मैं इस पर चर्चा नहीं आया है, मैं चर्चा में आगे अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में वो आएगा चर्चा, उसमें हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के भोजन एक साथ लेने चाहिए, इन भोजनों का समावेश नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम तो 10 तरह की चीजें एक साथ, हम तो सैकड़ों कहते हैं ना 56 प्रकार के भोग करते हैं। खास तौर पे मैंने देखा है कि हमारे जो मारवाड़ी संस्थान है उसमें 56 भोग का बड़ा महत्व है, और उन 56 भोगों का लाभ आपको क्या मिलता है वो मैं समझाऊंगा, और नुकसान क्या मिलता है वो मैं समझाऊंगा। इसीलिए जो मारवाड़ी तबके के लोग होते हैं उनकी तोंद इतनी बड़ी बड़ी होती है और समस्याओं से भरे पड़े होंगे, खजाना होगा उनके पास। मतलब किसी को समस्या खरीदनी हो तो कपड़े खरीदे, सब कुछ खरीदे, समस्या भी ले जा सकते हैं उनके पास से, वो भी गिनती में नहीं, इन्फिनिट है। इसका कारण यही है, हमारे खाने पीने के प्रति हमारी असजगता। हम सजग नहीं है, अवेयर नहीं, पता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सजग नहीं, आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो। जब इस दिन आपको पता हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं कि 25 चीज आ तो सामने जरूर जाएगी, इच्छा भी करेगी खाने की, लेकिन मेरी बात एक बार तो जरूर स्मृति में आएगी कि यार थोड़ा कम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 56 आएगा तो 56 में 15 ही खाओगे, कम से कम कुछ को तो हटा पाए। अगर कुछ भी हटा दिए तो मैं समझूंगा मेरा बताना सार्थक हुआ। आपने मारवाड़ियों की बात कही, थोड़ा पापड़ पे विश्लेषण कर दीजिए, हम लोग बहुत खाते हैं। जी बिल्कुल, आप लोग खाते हैं, इतना खाते हैं कि बड़ा परेशान कर देते हैं। अगर पापड़ तो वो तो तली हुई चीज नहीं है तो वो भी खराब है क्या? बिल्कुल, अभी मैं बात कर देता हूँ, चल रही है हमारी, कर देता हूँ संजय जी, जब आपने पूछा है तो मुझे बताना तो पड़ेगा। मूल ये है, देखो पापड़ के लिए क्या बोल रहे हैं, अपने आप में अपाच्य है, उठना मत सुनना, लेकिन दूसरे को पचाने में सार्थक है, आप समझ लीजिएगा। अच्छा। बस मेरा इतना ही कहना है कि दूसरे को पचाने के लिए किसी का सहयोग कर रहे हैं, ले रहे हैं, और जिसका सहयोग ले रहे हैं वही आपके लिए समस्या का कारण है, तो अब कितना फायदेमंद है अब आप समझ लीजिए। नहीं समझ पाया, उलझा दिया। नहीं समझ पाए सर, हम भी पापड़ दूसरे चीजों को पचाने में सहयोगी है, जो भोजन आप लेते हो उस भोजन को पचाने के लिए पापड़ अच्छा है, लेकिन पापड़ स्वयं नहीं पचता।
उसको पचाने बड़ा गरिष्ठ माना जाता है। तो फिर उसको पचाने के लिए क्या खाएं? वो तली लेते हैं चाहे वो सूखी लेते हैं, कोई फर्क नहीं उससे पड़ता। नहीं तो सर उसको पचाने के लिए क्या खाएं फिर? अब मतलब और फिर कुछ खाना ही है क्या? पापड़ ही छोड़ दीजिए, झंझट क्या करना। अरे एक ही तो चीज है जो फलती नहीं है, दाल से बनती है। संजय जी ये तो वो कहानी हो गई, मैं आपको एक घटना सुना देता हूँ, समय काफी हो गया है, हमारे धीरे हो रहे होंगे। मैं एक छोटी सी घटना बता देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। हमारा भाई शुरू से, हमारा अपना ब्रदर है, रियल ब्रदर, जो हमारे